हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बथुए के आलू वाले स्टफ्ड पराठे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमने चूल्हे में आग जला दी है और पतीली को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया। इसमें हम डालेंगे पानी। पानी को उबालने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा बथुआ, जिसको हमने बारीक काट लिया है और अच्छे से धो लिया है। 3 से 4 पर पानी में हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और एक बार फिर से हमने इसको पानी में डाल दिया है। ऊपर ऊपर से हम बथुए को निकाल कर उबलते पानी में डाल देंगे, जिससे हमारा बथुआ अच्छे से उबल जाएगा। बथुए को डालकर पानी में हम पतीली को ढक देंगे और लगभग 10 मिनट में जो हमारा बथुआ है वो अच्छे से उबल जाएगा। बथुए को हम पानी में अलग से निकाल कर उसको अलग कर लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम गेहूं के आटे में मिलाकर हमारे बथुए का आटा तैयार कर लेंगे। तो गेहूं के आटे में हमने थोड़ा सा बथुआ डाल दिया है और अब इसमें अच्छे से हम मिला लेंगे। बथुए को मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक। मसालों को हमने अच्छे से बथुए के आटे में मिला लेना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमने सॉफ्ट आटा गूंथ लेना है। आटा हमने ज़्यादा सख्त नहीं गूंथना है, क्योंकि हम आलू की स्टफिंग इसके अंदर भरेंगे तो उससे जो ज़्यादा सख्त आटे से जो हमारा पराठा है वो बढ़िया नहीं तैयार होगा। तो सॉफ्ट आटा ही हमने तैयार करना है। तो बथुए का आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और ये हमने लिए हैं उबले हुए आलू। आलू को ठंडा करने के बाद हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को अच्छे से मैश करने के बाद इसमें हम मिलाएंगे हमारे सूखे मसाले, गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हींग, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सारी चीजों को अच्छे से हम आलू के मसाले में मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आलू का मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है स्टफिंग के लिए। और अब हम आटे की लोइयां बनाकर इसमें आलू की स्टफिंग भर के हमारे पराठे को तैयार कर लेंगे। आलू के पराठे को हम बेल लेंगे। और उसके बाद हम इसको गरम तवे पर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तवा हमारा ऑलरेडी गरम है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हम वीडियो बना रहे हैं कम से कम 4-5 पराठे बनाने के बाद ही बना पाए हैं, क्योंकि जब गर्मा गर्म पराठे बनते हैं तो बच्चों पे वेट नहीं होता है। तो काफ़ी देर के बाद मैं वीडियो बना रही थी, तो तवा हमारा बिल्कुल गरम है। अब भी आप देख सकते हो कि बच्चे चूल्हे के पास ही बैठ कर खा रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरे पराठे को भी तैयार कर लेंगे। पराठे के दोनों तरफ सिकने के बाद इस पर हम लगाएंगे घी। घी को हमने गरम कर लिया है पहले ही, क्योंकि सर्दियों में जो घी है वो जम जाता है फ्रेंड्स। दोनों तरफ से घी लगाने के बाद पराठे को हम दोनों तरफ से कुरकुरा कुरकुरा सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा पराठा तैयार हुआ है। जब इस तरह से बथुए और आलू के पराठे बनाए जाते हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको घर पर जरूर ट्राई करिएगा। इसी तरह से हम हमारे बाकी के पराठे भी तैयार कर लेंगे। जब बच्चे
हरी सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम स्टफ़ पराठे बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारे बथुए के पराठे की ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें, और बेल घंटी को भी दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।